चलो देखो, किसी बाहरी पॉइंट से हमेशा क्या दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, क्या हमेशा दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे? नहीं, हमेशा ओके सर कैसे? अभी तुमने जस्ट एक इसके पहले क्वेश्चन देखा है कि अगर देखना भाई, अगर सर्कल के बाहरी पॉइंट पे आते हो तो हमेशा वो टेंजेंट सॉरी ड्रॉ हमेशा तो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, लेकिन लेकिन देखना भाई ध्यान से, अगर यहाँ पे आ जाते हो जस्ट सर्कल को टच कर लेते हो तो सिंगल टेंजेंट, जस्ट अगर सर्कल को टच कर लेते हो तो सिंगल टेंजेंट होगा, लेकिन अगर बाहरी कोई भी पॉइंट आया तो हमेशा टेंजेंट क्या होगा? Thank you.
माइनस आर अंडर रूट अपॉन प्लस एन स्क्वायर में फोर का मान जीरो से पास करा है। अच्छा यहाँ पे वो एक चीज बता दीजिए, हाँ प्लस माइनस दो स्लोप निकालेंगे, दो स्लोप निकालेंगे, दो स्लोप आया निकालोगे, दो स्लोप आएगा तो दो स्लोप आना ही है भाई, दो टैंगेंट हमेशा बाहरी पॉइंट पे ड्रॉ करो, तुम्हें तुम्हें सोचना ही नहीं, स्लोप तभी नहीं आएगा जब पॉइंट अंदर होगा, ठीक है, बाकी स्लोप तो आना ही है और वो भी दो स्लोप हमेशा आए प्लस माइनस के साथ। परेशान मत करो, समय वक्त आने तो तुम कुछ
लेबर बहुत हाई तो यार जहाँ से आना बहुत ले जहाँ से तो मैं ऐसे ही समझ लिया मैंने ना बोर्ड में जैसे गवर्न में था गवर्न निकाला फंक्शन बताया ना फंक्शन में तो गवर्न निकाला था गवर्न में ये बता दिया रूट एफ एक्स का एफ एक्स बाई डी एक्स का ये तो गवर्न निकालना सिखाया जाता अब जे में बहुत चलता है तो उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता थी कहीं दूर दूर से देखा रहा तो कह रहा था इसका डाउन कैसे निकलेगा इसका डाउन कैसे तो बार डाउन उसे जो कंट्रोल कर रहा था कि कंट्रोल करो बेटा जे में चीजें पढ़ेंगे तो ग्रुप में चल रहे बच्चे बच्चे आए हम तुम्हारे खेलने लगे तो उसे लगा होगा कि मतलब हो सकता है टीचर बनना आ रहा ध्यान दे रहा बाद में जो पूरे सब पकड़ लिया था सब मतलब और एक बच्चा तो डर के मारे वो ले लिया बायो अभी मिला ना लास्ट रन बायो बायो ले ली हमने कहा कि अरे सर हमारा मैथ में नंबर कम आ गया था क्लास टेन का आंसर परसेंट आया मैंने डर के मारे बायो हमने कहा सही मैथ में डरावनी चीज थोड़े ना है बस फील करो देखो कितना आनंद आता है मैथ से आनंद कहीं है ही नहीं ठीक है लेंथ ऑफ टेंजेंट अच्छा देखो क्वेश्चन ये है तुम्हारा मतलब मेरा सवाल है कि जैसे एक्स वन वाई वन से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसकी लेंथ बतानी इसकी क्या बतानी है लेंथ तो लेंथ निकालना बहुत ही आसान है लेकिन हम लोग एक फार्मूला भी ट्राई करें लेंथ निकालना मैं सिखा ही दूंगा लेकिन एक फार्मूला ट्राई करेंगे जो हमें रात को 12 बजे भी आता है ठीक है वो कौन सा फार्मूला पहले तो उन्हें कैलकुलेट करना सिखाता हूँ ठीक है हाँ देखो यार तो होगा कि हम मान लेते हैं कि भाई सर्कल की इक्वेशन इवन होगी और तुमसे बोलेगा कि एक्स वन वाई वन से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो लेंथ आप क्या बताओ क्या तुम्हें इतना पता है कि इसका रेडियस तो पता ही अच्छा क्या तुम्हें एक चीज़ और पता है इसका सेंटर भी पता होगा मान लेते हैं सेंटर है कुछ भी मान लेते हैं लेकिन जीरो मान लेते ठीक है और सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ठीक है अब मैं निकालना क्या लेता हूँ टेंजेंट मतलब डायरेक्ट डी एन डी निकालना क्या तुम्हें ये डिस्टेंस आ जाएगा और ये डिस्टेंस आ जाएगा ये डिस्टेंस पता है उसको डी मानते थोड़ी देर के लिए ठीक है क्या तुम्हें डी निकाल ले जाओ मैं डिस्टेंस फार्मूले से क्या आदमी पता है क्या तुम्हें निकालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं रेडियस और टेंजेंट आप उसमें क्या होते हैं क्या यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है टेंजेंट जो आए वो आएगा सर अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर या प्लस आर स्क्वायर हाइपोटेनस है हाइपोटेनस है तो डी स्क्वायर माइनस आर अब रही बात सर डी स्क्वायर निकाल देंगे और डी स्क्वायर निकाल देंगे डी स्क्वायर आएगा कितना पहले बच्चों को बताओ बहुत जल्दी से डी स्क्वायर आएगा एक्स माइनस स्क्वायर प्लस वाई वाई माइनस आर ये आएगा सर लेंथ ऑफ सर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना तो बहुत ही आसान है इसमें रॉकेट साइंस तो है ही लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा है उसको गौर से देखो कहीं एस वन तो नहीं लिखा हुआ कहीं एस वन तो नहीं लिखा हुआ एस वन समझते हैं हाँ सर एस वन समझते हैं सर कल वही पॉइंट हाँ बिल्कुल सर ऐसा नहीं लग रहा कि सर वही जो एस वन आप बताए थे S1 0 S1 0 वही एस वन लिखा होगा मतलब सारे पोर्सन को एक तरफ ले आओ ठीक है और उसमें एक्स वन वाई वन फुट कर दो उसका रूट ले लो वही लेंथ ऑफ टेंजेंट भाई क्या होगा भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा इसने क्वेश्चन बोले और जे में वाला सवाल मत करवा ठीक है तुरंत तुम बताओगे जवाब होगी उसका ठीक है तो यहाँ पे लिख लें कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर जो तुमने सीन किया था भाई ग्राफ किया था रूट एस वन लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा रूट एस वन अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा देखो इधर अरे ख्याल को सुनो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा कि सर आपने बताया तो बहुत अच्छी बात सर कभी कभी एस वन लेस देन जीरो आ जाता है एस वन कभी कभी क्या आ जाता है लेस देन जीरो लेकिन तुम्हें सब मानी चाहिए जब एस वन लेस देन जीरो आएगा तो पॉइंट अंदर होगा वहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट नाम की चीज ही नहीं आएगी बोलो और एस वन इक्वल टू जीरो हो गया मतलब पॉइंट टेंजेंट क्या वही पॉइंट है भाई पॉइंट सर उसी का मतलब वो पॉइंट उसी पे है सर्कल पे ही लेंथ ऑफ टेंजेंट कहने का कोई मतलब ही नहीं बोलो अरे क्लियर है Thank you.
सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे और उसमें एक्स वन वाई वन पुट कर देंगे, उसी का रूट ले लेंगे, वही होगा लेंथ ऑफ टैंजेंट। बोलो रेज करें इसको। चलो जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस एटी इक्वल टू जीरो फाइन लेंथ ऑफ टैंजेंट, फाइन लेंथ ऑफ tangent are drawn from 8, 6 if tangent are drawn from 8 तो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। ये सर्कल की क्वेश्चन दी है, तुमसे पूरा फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 8, 6 बताइए कितना आएगा। क्या कुछ नहीं सर करना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 8, 6 में पुट कर देना, कितना आएगा भाई 64 + 36 माइनस 24 बोलो प्लस 24 प्लस 80 क्या 24 कैंसिल 36, 64 कितना हो गया 36, 64 100 और प्लस 80 कितना आ जाएगा 100 ये वाला था। पहले एक और मतलब सेंटर निकाल ले, रेडियस निकाल, उसके बाद आएगा सेंटर रेडियस निकाल, अरे उसे समय लगेगा, मैं बताया मेरे को थोड़े ना बोल गया हैं बोलो, अरे रूट एसमान कहाँ बोल सकते हो, बोलो भी ये निकाल तो बारह में याद रहेगा, तो सामने अगर आ जाए तो मुझे सब तभी तुम बताओ, कोई ऊपर वाले को चल लेंगे आप लेने मतलब तुम कोई रोटेशन तुम बताओ लेता क्या नहीं बोलोगे तुम यही तो फर्क होता है, तुम अगर वो भी करा रेडियस निकालोगे सेंटर निकालोगे 10 घंटा समय लगाओगे, अच्छा बच्चा रहेगा उसके फोन लगाएगा डायरेक्ट और बताएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट ले, क्योंकि देखो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है ऐसे तुम्हें घुमा फिरा के लेंथ ऑफ टेंजेंट यूज कर पा देगा, अब तुम पता चला लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने में 1 मिनट लगा रहे हो, उससे बेटर रूट इसमें डायरेक्टली पूछ लो रूट इसमें रखो निकालो तुम लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा, अब हम तो हमने ट्राई कर लिया भाई अब हम भी वही यूज करेंगे, ठीक है हो गया भाई यहाँ तक। इसके बाद एक निकाल डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल नाम सुना सुना सर क्या सुना सुना सर नाम सब सब नाम सुना सुना सा लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ सिखाऊंगा। डायरेक्टर सर्कल ये कौन सा सर्कल है सर, जो हम लोगों का सर्कल हम ही नहीं पढ़े, ठीक है तुम्हें याद है कि गुप्ता था गुप्ता जंग आप अपने सरदार के पास गया तो उसने कहा कि सर जैसे कहते रहते हैं ना कितने कुत्ते की मौत मार, ठीक है अपने सरदार के पास गया और कहा कि सर ये कौन सी मौत है, ये कौन सी मौत है जो हम ही लोगों की मौत हम ही नहीं जानते, ठीक है वो सरदार परेशान हो गए मतलब सही बात कह रहा है, ठीक है ये कौन सी मौत है जो हम ही लोगों की मौत हम ही नहीं जानते, कहते ना तुम्हें कुत्ते की मौत मार दिया वे कुत्ते को नहीं पता ये कौन सी मौत है, ठीक है पूरा मान उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ज़्यादातर तो मूवियों में जन्म ज़्यादा यूज करते हैं ना इसको कि फिर उसको एक दिक्कत और कि तुम्हें कुत्ते की मौत मार दो, एक दिक्कत और दिखा सर आजकल मूवियों में जो है हम लोग का नाम बहुत दिया जा रहा है हम लोग को खुद एज ए हीरो रोल नहीं दिया जा रहा, तो उसने कहा कि मतलब कैसे कहा कि मतलब मूवियों में कह रहे हैं सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसने कि तुम्हें 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 काट के तुम्हारी हड्डियाँ कुत्ते को खाने को दे दूंगा, सर वो हड्डी आज तक नहीं, ठीक है वो हड्डी आज तक नहीं मिली सर, कहते हैं बार बार मूवी देखता हूँ कहते हैं सर लेकिन हड्डी जो है देते दे नहीं, तो ये सब प्लान बना के तो मूवी देख के आते हैं, ठीक है हम मूवी देखने गए तो मूवी में जैसे का तो वहाँ पर खड़ा होता है आदमी खड़ा होता है गेटकीपर जो होता है तो वो खड़ा था सामने, तो मतलब ऐसे सब जा रहे थे तो उन्होंने प्लान बना तो सब लोग कहीं चलो देखते हैं अगर कोई वर्ड यूज हुआ होगा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई होगी तो आज के बाद उनका नाम लेना बंद हो जाएगा, तो गए तो एक कुत्ता था एक कुतिया थी तो एक उसे सुन रहे, ठीक है तो पूछ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे साथ है, ठीक है मतलब वहाँ चेकिंग करता है बोला हाँ कुतिया मेरे साथ, बोला ठीक है ये बैठे भाई साहब अपना आराम से मूवी स्टार्ट, जैसे पहला सीन है धर्मेंद्र का मतलब ये डायलॉग बोला कि तुम्हें जो है कुत्ते की मौत मार रहे, ठीक है तुरंत कुत्ते भड़क गए, ठीक है तुरंत ये सब देखिए देखिए हमारा नाम दे रहा है सर, तो कहने का मतलब
करती है, किस बात पे मैं बता रहा था कुत्ते की चर्चा कर रहा था, डायरेक्टर सर्कल पे। हाँ वही कह रहा था। हाँ कौन सी सर्कल है सर जो हम लोगों की सर्कल, हमें ही नहीं पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मजेदार सर्कल है, ध्यान से समझेंगे भाई इसको। अच्छा जी तुमने कुत्ते में नोटिस किया तो जब खुश होते हैं तो उन्हें खुश 90 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं, एकदम ऐसे खड़ा कर देते हैं, वही देखना कोशिश करना है। जब डर जाते हैं तो 180 बना लेते हैं, अगर पूछ अंदर कर लेते हैं नोटिस किया नहीं किया तो देखिए 90 देखे हो ना, दूसरा लोग बोलने लगता है तो ये जो है अपनी पूछ अंदर कर लेते हैं वैसे बैठ जाते हैं, और जो खुश होते हैं तो 90 डिग्री कोशिश करते हैं वैसे लगाते हैं। और उनका अपना खुद का एरिया होता है जो टॉयलेट करते हैं, वो ऐसे नहीं टॉयलेट करते हैं, वो इसलिए टॉयलेट करते हैं खम्भे में जाके, कोई दूसरा कुत्ता है तो मेरा टॉयलेट सुन के जान जाए कि यहाँ ये इलाका जो है, इसीलिए कहा जाता है कुत्ते का ही मतलब इलाका तो कुत्तों का होता है, इलाका नहीं पूरा समझते हैं कि किसका इलाका कौन से कुत्ते का इलाका है, आओ आगे बढ़ते सुन के क्षमता ज़्यादा हो आगे बढ़े भाई। डायरेक्टर सर्कल हाँ चलो यही तक बस आज के लिए इतना ही, मतलब एक क्लास भी है ना ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, डायरेक्टर सर्कल अगली क्लास में पढ़ेंगे ठीक है। चलो काम चल रहा है, कौन सा एग्जाम है कल सर फिजिकल।